हेलो दोस्तों, हार्ट अटैक के पेशेंट में गोल्डन आवर का क्या कॉन्सेप्ट होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, आज इसके बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक की जब भी आप बात करते हैं तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो बोलता है कि आप इसे पहले ले आते या गोल्डन आवर में ले आते, तो व्यस्तता पर अभी आपने इसको लाने में लेट कर दिया है तो अब इसे बचा पाना मुश्किल होगा या ट्रीटमेंट से भी उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि गोल्डन आवर होता क्यों है और क्यों हार्ट अटैक के पेशेंट में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर उस व्यक्ति के बारे में जो हार्ट अटैक को समझना चाहता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट बेसिकली मतलब यह है कि जब दर्द चालू होता है या हार्ट अटैक चालू होता है तब जब नली बंद होती है तो उस टिश्यू मरना 30 मिनट में चालू हो जाता है। ज़्यादातर उसका डैमेज 6 से 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 12 घंटे के अंदर जितना टिश्यू मरना होता है वो पूरा मर जाता है। यदि पहले एक घंटे के अंदर आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हो और पहले एक घंटे के अंदर ही उसका चाहे एंजियोप्लास्टी द्वारा या थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या इंजेक्शन द्वारा यदि हम थेरेपी कर देते हैं और नली को वापस खोल देते हैं तो लगभग पूरा टिश्यू को हम बचा सकते हैं। क्योंकि जब नली बंद होती है तो सेल्स का ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है जिसकी वजह से सेल्स का मरना चालू हो जाता है। यदि ये एक घंटे के अंदर नली को वापस खोल दिया जाए तो ज़्यादातर सेल्स को हम बचा सकते हैं और टिश्यू में कुछ खास परमानेंट डैमेज नहीं होता। इनफैक्ट मैसिव हार्ट अटैक के पेशेंट्स को भी काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है यदि एंजियोप्लास्टी पहले एक घंटे में हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट को ये समझने में भी कई बार टाइम लगता है कि हार्ट अटैक है या नहीं। घर से निकलने में टाइम लगता है, हॉस्पिटल पहुँचने में टाइम लगता है, एंजियोप्लास्टी हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद भी चालू होने में टाइम लगता है और एंजियोप्लास्टी कंप्लीट होने में भी टाइम लगता है, या इवन अगर इंजेक्शन भी देते हैं तो इंजेक्शन का इफेक्ट आने में भी टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। ये सारे ही चीज़ों के चक्कर में जो ये गोल्डन आवर है वो चला जाता है और हम टिश्यू को जो बचा सकते हैं वो नहीं बचा पाते। हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है मृत्यु का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है सेल्स मरते जाते हैं और जो सेल्स एक बार मर जाते हैं उनको वापस रिट्रीव नहीं कर सकते, वापस रिवाइव नहीं कर सकते, उनका ये कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जानना और समझना ज़रूरी है कि पहले एक घंटे के अंदर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, जितना फास्ट करेंगे उतना पेशेंट का टिश्यू आप बचा सकते हैं। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आता है अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ सिम्टम, यानी आपको जल्दी पकड़ना पड़ेगा कि हार्ट अटैक है। अगर आपको पेन होती तुरंत समझ में आ गया हार्ट अटैक है तो आप जल्दी पहुँच सकोगे। यदि आप इस टाइम पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि एसिडिटी का पेन है, घबराहट का पेन है, बेचैनी का पेन है तो आप टाइम वेस्ट करोगे। कई बार पेशेंट्स को पेन उतना ज़्यादा नहीं होता तो वैसे केस में कई बार ये गोल्डन आवर मिस हो जाता है। क्योंकि पेशेंट को अगर पेनलेस हार्ट अटैक हो या सिर्फ थोड़ा घबराहट बेचैनी हो तो वो अक्सर रियलाइज़ नहीं कर पाता कि हार्ट अटैक है, और अनलेस वो पेशेंट बहुत एजुकेटेड और बहुत विजिलेंट हो वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, गोल्डन आवर चला जाता है। पर अगर एजुकेटेड और विजिलेंट और सतर्क पेशेंट है तो वो सही समय पर अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि उसको हार्ट अटैक है तो तुरंत हॉस्पिटल पहुँच सकता है, अपनी जान बचा सकता है, अपने हार्ट को बचा सकता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कई बार आप हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस बुलाते हो, एम्बुलेंस पहुंचने में आधा घंटा लगता है, वो पहुंचती है ट्रैफिक में, ट्रैफिक के थ्रू जाने में हॉस्पिटल पहुंचने में आधा एक घंटा लग जाता है। तो इसी चीज़ में वो एक घंटा का गोल्डन पीरियड जो है वो चला जाता है। यानी जल्दी रिकॉग्नाइज़ करना और जल्दी शिफ्ट करना भी ज़रूरी है। शिफ्ट करने से पहले घर पर भी कुछ थेरेपी अगर आप दे सके तो अच्छा है, जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, हेपारिन है। कई बार थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी हॉस्पिटल जाने से पहले दिया जा सकता है पेशेंट को, कुछ सेटिंग्स में एम्बुलेंस में उसकी फैसिलिटी होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप पेशेंट का काफ़ी टिश्यू बचा सकते हो, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले भी ठीक ठाक इलाज कर सकते हो। इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ हार्ट अटैक पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी हॉस्पिटल पहुंचे तो इमरजेंसी मैनेजमेंट के जो प्रोटोकॉल है वो फास्ट होने चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट में पेशेंट को ट्रीटमेंट तुरंत मिलना चाहिए। ऐसे टाइम पर आप पहुँच के उसके बाद फिर आप सेकेंड ओपिनियन के लिए जाते हो, डिसीजन लेने में जाते हो, ईसीजी करने में टाइम लग रहा है, इंजेक्शन देने में टाइम लग रहा है, डॉक्टर के आने में टाइम लग रहा है, पेशेंट के एंजियोप्लास्टी होने में टाइम लग रहा है, या एंजियोग्राफी हो गई तो रिलेटिव को डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है, फाइनेंशियल लोगों को डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ों में जो टाइम वेस्ट होते रहता है उसमें पेशेंट का टिश्यू बर्बाद हो जाता है। इसलिए गोल्डन आवर के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, पहले एक घंटे के अंदर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। इंडियन सिनेरियो में कई लोग इसको गलत तरह से भी लेते हैं, क्योंकि कई बार जब इस तरह में पेशेंट आता है डॉक्टर जल्दी बोलते हैं कि जल्दी डिसाइड करो, 5 मिनट में बोलो और एंजियोप्लास्टी करेंगे। पेशेंट उसको गलत तरह से लेते हैं, पेशेंट को ऐसा लगता है डॉक्टर हमें इतना हड़बड़ा क्यों रहा है, हम तो एक दो घंटे के बाद आराम से विचार करके डिसाइड करेंगे। पर इसमें कई बार ये होता है कि वो एक दो घंटे या आधा घंटा 10 लोगों से बात करने में जो आप टाइम वेस्ट करते हो आपके पेशेंट का मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने आधा घंटा वेस्ट किया तो मृत्यु दर 8% बढ़ गया, एक घंटा वेस्ट किया तो मृत्यु दर 16% बढ़ गया।
मृत्यु दर कई गुना बढ़ते जाता है, और फाइनली जब ट्रीटमेंट किया भी जाता है तो पेशेंट को उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, जान बचने के जो चांसेस होते हैं वो कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं यदि ट्रीटमेंट में लेट होता है तो। इसीलिए लोगों को प्रॉपर समझने की आवश्यकता है कि रेगुलर ब्लॉकेज और हार्ट अटैक में जमीन आसमान का फर्क है। रेगुलर ब्लॉकेज में आप टाइम लेके डिस्कशन करके बाद में भी डिसाइड करो, फिर ट्रीटमेंट भी करो तो भी चलता है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट में ऐसा नहीं चलता और आपको ट्रीटमेंट का डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। और सब चीज़ों की आपकी मेंटल तैयारी होनी चाहिए, आपको उस समय सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए और आपको फाइनेंशियल तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। आपको यह है कि जो भी डॉक्टर ने बोला यदि आपको उस पर ट्रस्ट है तो तुरंत कर लीजिए। आइडियली बेटर से जाने यही है कि आप ऐसे ही हॉस्पिटल में जाओ या ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जहाँ आपको पहले से ट्रस्ट हो। अब इसमें क्या होता है कि लोग एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं फिर विश्वास ही नहीं करते कि हार्ट अटैक है, फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। तो पहले ही ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको ट्रस्ट है और वहीं पर इलाज कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर सेकेंड ओपिनियन लेना भी है तो बाद में लीजिए, ट्रीटमेंट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर बाद में आप रेट्रोस्पेक्टिवली डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो हुआ ये सही हुआ कि नहीं। उस समय टाइम नहीं होता डिसाइड करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। हाँ, इसमें ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को मेडिसिन के अलावा यानी कि जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं उसके अलावा या तो एंजियोप्लास्टी या इंजेक्टेबल थेरेपी यानी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, ये दोनों चीज़ों को देके नली को खोला जाता है। इंजेक्शन में आप खून पतला करने का इंजेक्शन देते हो जिसमें नली खुल जाती है, पर फ़ायदा इसमें ये है कि इंजेक्शन जल्दी दिया जा सकता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन नुकसान ये कि इंजेक्शन पूरा सक्सेसफुल नहीं होता, बाद में एंजियोप्लास्टी ज़्यादातर केस में करनी पड़ती है। एंजियोप्लास्टी में सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, इंजेक्शन का सक्सेस रेशियो खाली 30-50% होता है नॉर्मल फ्लो एस्टैब्लिश करने में, एंजियोप्लास्टी का सक्सेस रेशियो 95-99% होता है नली को खोलने में। 2-4% केस में एंजियोप्लास्टी भी फेल हो सकती है, लेकिन 95-99% केस में नली खुल जाएगी। नली खुलने का पूरी तरह से ये मतलब नहीं कि हर पेशेंट बच जाएगा, एंजियोप्लास्टी के बावजूद भी 8-10% पेशेंट में मृत्यु हो सकती है, खराब पेशेंट में मृत्यु दर ज़्यादा होता है। इसलिए एंजियोप्लास्टी कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है जिससे हो गया और उसके बाद कभी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी मृत्यु दर सिग्निफिकेंट रहता है, डॉक्टर अपनी तरफ से सावधानी रख सकता है, जितना अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो वो कर सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि पेशेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एंजियोप्लास्टी हो गया तो पेशेंट अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ों की लिमिटेशन होती है, इसे हमें समझना ज़रूरी है। गोल्डन आवर के कॉन्सेप्ट को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, पर इसमें आते हैं कुछ चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंजेस ये है कि पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता ही लेट है क्योंकि वो सिम्टम्स लेट रियलाइज करता है, हॉस्पिटल के लिए लेट निकलता है, पहुंचता लेट है, तो फाइनली 1-2 घंटा तो उसी में चला जाता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को कई बार ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे आसपास फैसिलिटी ही नहीं है, यानी एंजियोप्लास्टी या बाईपास या इस तरह की ट्रीटमेंट का कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि पेशेंट के पास इस तरह का कोई अवेयरनेस नहीं होता और पेशेंट उस जगह पर पहुँच ही नहीं पाता जहाँ पर फैसिलिटीज़ है। तो पेशेंट को पहले से पता होना चाहिए आइडियली कि कहाँ पे फैसिलिटी है और उसको डायरेक्टली कहाँ जाना है। हॉस्पिटल शिफ्टिंग या डॉक्टर शॉपिंग करेगा ऐसे टाइम पे तो दिक्कत होगी। इसके अलावा इस तरफ के केसेस में पब्लिक एजुकेशन होना भी ज़रूरी है। अपने आप पे पब्लिक एजुकेशन पहले उतना काम नहीं किया जाता है, पब्लिक एजुकेशन ऐसे मामले में होना ज़रूरी है ताकि पेशेंट सही समय पर सही जगह पर सही हॉस्पिटल में पहुँच पाए और अपनी जान को बचा पाए। यदि पब्लिक एजुकेशन नहीं है तो इस तरह के पेशेंट अक्सर सफ़र करते हैं और फाइनली उनको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते। हॉस्पिटल पहुँच तो जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी जान बचाना अक्सर मुश्किल पड़ता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी एंजियोप्लास्टी में गोल्डन आवर के कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ओवरऑल एंजियोप्लास्टी और हार्ट अटैक के मैनेजमेंट को बेसिक समझ पाएं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। हार्ट अटैक के बहुत सारे हमने टॉपिक्स ही हार्ट अटैक अपने घर पर मैनेजमेंट, एम्बुलेंस में मैनेजमेंट और ओवरऑल हॉस्पिटल में मैनेजमेंट, सब चीज़ों में क्या क्या एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, ये सब हमने डिटेल वीडियोज़ में कवर किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।